हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेशन। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि हम सैम्पल पेपर जो क्लैट 2023 के लिए रिलीज़ किया गया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। एंड आई रियली होप दैट आपने प्रीवियसली जो भी सेशंस लाइव हुए थे उनको आप देखे हो। एंड क्वांट इज़ वन सेक्शन जो you know, आपके रैंक को इम्प्रूव कर सकता है, फ्रॉम यू कैन टेक यू फ्रॉम वन कॉलेज टू दी अदर। सो एक ऐसा एरिया जो बेसिकली आपको फोकस करना ही चाहिए, राइट। नाउ अदर थिंग इज़ दैट क्वांट का जो सैम्पल पेपर था 2023 का कि जो रिलीज़ हुआ, पहला पॉइंट ये है कि डोंट ओनली रिलाई ऑन द सैम्पल पेपर। आप अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक आप अलग अलग पेपर्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग काइंड ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो, नॉट अलग अलग सैम्पल पेपर, अलग अलग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, राइट। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ट ऐसा कि उनको थोड़ा सा अलग लगा, मुश्किल लगा, पैनिक कर रहे हैं लोग। तो इसलिए आइडिया यहाँ पर यह है कि आप पैनिक मत करो, क्वेश्चन को समझो, राइट। फ्री माइंड रहो। जब भी आप दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हो उसको एनालाइज कर लो, थोड़ा सा टाइम दे दो, 1 मिनट एक्स्ट्रा प्रोबेबली, एंड आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। एंड आप देखो कि बहुत सारे जो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे टॉपिक बेस्ड होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे टाइम एंड वर्क है, उनको आप जो बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क है या बेसिक ऑफ कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है उससे ही आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अदर देन दैट जो क्वेश्चन हैं नंबर सेंस के या और भी टाइप के जो जहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन कॉमन सेंस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व या डील कर सकते हैं, बट वो तभी होगा जब हम थोड़ा पैनिक कम करें और थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि पूछना क्या चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, राइट। तो वहाँ से हम उस अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, एक क्वेश्चन हम पिकअप कर रहे हैं फ्रॉम दी सैम्पल पेपर, राइट, और उसको हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। देयर वर लॉट ऑफ इक्वेशंस, इसलिए काफ़ी लोग इतने सारे इक्वेशंस देख करके हमको काफ़ी लोग को डर हो गया कि इतने सारे इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, बट आइडियली आपको बहुत ज़्यादा इक्वेशन सॉल्विंग करने की ज़रूरत नहीं थी। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जामिनर क्या चाह रहा था इसके अंदर एक्चुअली, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पर नंबर्स 1 to 9 है, दैट इज़ गिवन, एंड ये जो नंबर्स 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट लेटर्स ABCD up to I, लेकिन नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। मतलब ज़रूरी नहीं कि 1 का वैल्यू A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 2 है, या 1 इज़ एसोसिएटेड विद A एंड 2 इज़ एसोसिएटेड विद B। कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि D का वैल्यू 1 हो, E का वैल्यू 5 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऑर्डरिंग सेम है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो इट्स इज दैट Says that no two letters represent the same number. तो कोई भी दो लेटर जो है सेम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एंड ईच लेटर इज रिप्रेजेंट बाई सेपरेट लेटर, राइट। सो इट इज़ लाइक फॉर A का वैल्यू 1 है तो B का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, C का वैल्यू मान लो 5 है तो D का वैल्यू 5 नहीं हो सकता, या किसी और का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। दैट्स एग्जैक्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो 9 अलग लेटर्स हैं, 9 अलग नंबर्स हैं, हर लेटर हर एक किसी दूसरे नंबर से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब क्या बोले, देयर फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस आर आल्सो गिवन। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, एंड सॉल्व करने के बाद जब हम सारे वैल्यूज़ फिगर आउट कर सकते हैं तो इस पर 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे, 6 इक्वेशन है और सातवां एक वैल्यू दे दिया है C is equal to 8। अगर C is equal to 8 नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए आपको सॉल्व करना पड़ सकता था, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, बट ये टाइम फ्रेम के अंदर उसको सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते, दैट वुड हैव बीन अ चैलेंज कि 4-5 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे, बनेगा नहीं बनेगा, एक एक्सप्रेशंस हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड सो ऑन, वुड हैव बीन आइडेंटिफाई करनी, बट नॉट नेसेसरली उतना भी डिफ़िकल्ट होता हो। बट येस, जब हम हमें ये वैल्यू दे चुका है कि सी का वैल्यू 8 है. क्वेश्चन बिकम्स अ लिटिल ऑन एन ईजियर साइड, राइट. तो अगर आप यहाँ पे देखो जो पहला इक्वेशन है इट्स इज ए इन टू बी, ये क्या है ए इन टू बी माइनस सी इज़ अ 22, राइट. सो सी का वैल्यू आपको 8 दे दिया है, ये प्रोडक्ट है, सी का वैल्यू 8 है. इसका मतलब क्या आ गया, ए इन टू बी का जो वैल्यू है वो 30 हो जाएगा बिकॉज 8 आप इधर लेकर के आओगे 22 + 8 30, ठीक. सो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 30 हो जा रहा है, राइट. ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 30 हो रहा है. अब हमें सोचना है, सो और अब हम यहाँ पे एक लिस्ट भी बना लेते हैं गाइस. ठीक है, सी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8. अब ए इंटू बी का जो वैल्यू वो 30 है. अब a इंटू बी 30 कब होगा, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं 10 × 3 एंड सो ऑन, बट हमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक यूज़ करने हैं, राइट. 1 to 9 इज़न्ट इट, 1 to 9 दैट्स द ओनली नंबर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, 10 यूज़ नहीं कर सकते, राइट. सो हमें पता है 1 से 9 में ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा. तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है 5, 6. अब ये ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 6 है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इट कैन बी 6, 5 ऑल्सो, रिवर्स में भी हो सकता है, राइट. सो 5, 6 पॉसिबल है, 6, 5 पॉसिबल है. जैसे हमें वैल्यू कंफर्म होगा हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इज इट ओके. सो 5 × 6 इज अ 30. और कोई पॉसिबिलिटी देख लो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, चेक करो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 1 से 9 के अंदर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करना है जो कि 30 बन जाए. नहीं है, 5 and 6 दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी. तो 5, 6 का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, A 5, B 6, A 6, B 5 ऐसा हो सकता है, राइट. चलो अगला एक्सप्रेशन देखते हैं. DEF का वैल्यू 7 है. अब देखो आप कौन कौन से वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हो, 5 नहीं यूज़ कर सकते हो, 6 नहीं यूज़ कर सकते हो, 8 नहीं यूज़ कर सकते हो, बिकॉज 5, 6 and 8 अलग लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो DEF ABC से एकदम अलग लेटर्स हैं और हमें उनका सम कितना बनाना है 7. अब सोचो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका 7 सम हो सकता है. थोड़ा मेंटली अगर हम सोचें, छोटे नंबर्स चाहिए, इजंट इट. छोटे नंबर्स चाहिए, बड़े नंबर्स नहीं चाहिए हमें, फिर इट स्मॉलर नंबर्स, राइट. तो अब ये जो छोटे नंबर्स हैं वो कौन से होंगे 1, 2 and 4 दैट इज़ इट. और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इजंट इट. तो यहाँ पे D और E और F का पॉसिबल है 1, 2 and 4. ऑर्डर क्या होगा नहीं पता, नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर. यहाँ पे भी ऑर्डरिंग अभी नहीं पता है. कैन बी D का वैल्यू 2 हो सकता है, E का वैल्यू 1 हो सकता है, F का वैल्यू 4 हो सकता है, राइट. हो सकता है D का वैल्यू 4 हो. तो फिलहाल कन्फर्मेशन नहीं है कि D का वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, E का एग्जैक्टली क्या है, बट हमें इतना आइडिया ज़रूर लग गया कि DEF का जो वैल्यू है वो 1, 2, 4 के अंदर ही कुछ है. इज इट ओके, क्लियर है ये पॉइंट, राइट. आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस, ठीक है ना. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जो थर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है. थर्ड एक्सप्रेशन के GHI 19 बन गया है. अब या तो आप सोच सकते हो कि कॉम्बिनेशन क्या होगा 19 बनाने का, राइट या थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें यहाँ पे, हमें पता है 9 लेटर्स हैं, हर लेटर अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ए का हमें पता चल गया 5 या 6 में से, बी का 5 या 6 में से. तो 5, 6 ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आएगा. तो कौन कौन से नंबर चले गए, 5, 6 चले गया, 8 चले गया, 1, 2, 4 चले गया. मतलब इस 9 में से 6 नंबर्स तो चले गए, बचे ही 3 नंबर्स ना. कौन कौन से नंबर बच गए, 3 बच गया है, 7 बच गया है, 9 बच गया है. यही 3 होने चाहिए 19 बनाने के लिए. ऐड करके देख लो क्या यही 3 बचे, क्योंकि ये तीनों लेटर्स अलग है ना. GHI ABC DF से अलग है तो नंबर्स भी अलग होने चाहिए. 3, 7, 9 पॉसिबिलिटी है. सो 3, 7 and 9 ये पॉसिबिलिटी. अगेन यहाँ पे भी हमें ये नहीं पता कि G का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, H का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, I का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा. फिलहाल हमें नहीं पता है. आने वाले आगे जो एक्सप्रेशंस इक्वेशंस दिए हुए हैं जब 4th या 5th या 6 वहाँ से हमें क्लैरिटी मिलेगा एग्जैक्ट वैल्यू का. बट फिलहाल तक हमें क्लैरिटी सिर्फ एक ही वैल्यू है कि c का वैल्यू 8 है जो कि एक एक्सप्रेशन में लास्ट स्टेज पे दिया हुआ था। ए बी कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 5, 6, 1 ऑफ देम। डी एफ कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 4। पता नहीं कौन सा लेटर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ऑफ नाउ। जी एच आई कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 3, 7, 9। अगेन पता नहीं फिलहाल कौन सा लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस एक्सप्रेशन पे। हमें a इंटू डी और g ऐड करना है एंड वी हैव टू गेट अ 17, राइट। सो देखो a कहाँ से आएगा? 5, 6 में से एक नंबर होना चाहिए, इज़न्ट इट? a कहाँ से आना चाहिए? 5, 6 में से एक नंबर आना चाहिए। d कहाँ से होगा? इन तीनों में से एक नंबर है, राइट। और सो आई होप यू आर गेटिंग, a इन दोनों में से एक नंबर है कोई भी, या तो 5 है या 6 है, राइट। डी कौन सा नंबर है? या तो 1 है या 2 है या 4 है। और जी कौन सा नंबर है? या तो 3 है या 7 या 9 है, राइट। एक नंबर मुझे यहाँ से पिकअप करना है, उसको इस वाले सेट में से एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इधर के एक नंबर से ऐड करना है। आंसर कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। ठीक है, थोड़े अगर आप हिट एंड ट्रायल या थोड़ा ऑब्जर्वेशन ही ले लो वहाँ पे, काम चल जाएगा। जैसे मान लो अपने 6 ले लिया, लेट्स से, ठीक। 6 इंटू 4 जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 24 ज़्यादा हो जाता है 17 से प्रोडक्ट में। 6 इंटू 2, 12। अब 12 में ऐसा क्या ऐड कर दोगे 17 आएगा? यहाँ पे कुछ भी ऐड करोगे 17 नहीं आएगा, राइट। अब इवन अगर आप 6 इंटू 1 जा रहे हो तो डजन ऐड अप एनीथिंग टू गिव अस 17, राइट। तो 6 पॉसिबल नहीं है, ए का वैल्यू 6 पॉसिबल है, मतलब बी का वैल्यू 6 होगा, ये पक्का हो गया। ए का वैल्यू देखो 5 होगा, राइट। अब 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 7, 17 मैच कर रहे हैं, इज़न्ट इट? सो मतलब ए का वैल्यू शुड बी अ 5। सो यहाँ पे अब हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 7, दैट इज़ द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन। सो ए का वैल्यू शुड बी अ 5, ऑटोमेटिकली बी का वैल्यू 6 हो गया, राइट। डी का वैल्यू बिकम्स अ 2, डी का वैल्यू बिकम्स अ 2, ठीक है। और g का जो वैल्यू है बिकम्स अ 7, ठीक है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद b e h, राइट। तो b हमें ऑलरेडी पता है 6 है। अगर b का वैल्यू 6 है तो हमें यहाँ से पता चल गया e प्लस h का वैल्यू 10 है, राइट। अब देखना है कि e प्लस h का जो वैल्यू 10 है ये कब पॉसिबल है। अब e के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बचे हैं? तो अगर आप देखो d हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, सो ये 1 और 4 बच गया था। 3, 7, 9 में से 7 वाज ऑलरेडी टेकन फॉर g, तो 3 और 9 बच गए। हमें यहाँ से एक नंबर चाहिए और यहाँ से एक नंबर चाहिए जिनका एडिशन 10 हो। क्या पॉसिबिलिटी है? 1 और 9, दैट्स इट। मतलब e का वैल्यू शुड बी 1, e का वैल्यू शुड बी 1, h का वैल्यू शुड बी 9, ठीक है। मेक सेंस? क्लियर है ये पॉइंट? 1, 9 ऐड हो गया, कितना हो गया? 10। क्लैरिटी आई यहाँ पे? फाइन, आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को, राइट। सो देखो हमने ज़्यादा इक्वेशंस बनाने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की यहाँ पे। और मुझे लगता है ये तो आप कर ही सकते हो, मतलब नंबर्स आइडेंटिफाई करना, छोटे मोटे प्रोडक्ट एडिशंस ये आप कर सकते हो, इज़न्ट इट? तो EH का वैल्यू हमें पता चल गया, राइट। अब जो वैल्यू बच गया है वो सिर्फ F और I के लिए है। अगर आप इसको अच्छे से देखो यहाँ पे D का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया है 2, F का वैल्यू गाइस हमें पता नहीं है, E का वैल्यू हमें लिए पता चल गया है 1, राइट। सो मतलब जो बच गया है F शुड बी अ 4, ठीक है। F शुड बी अ 4। आप सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए रख सकते हो, F का वैल्यू 4 है, C ऑलरेडी 8 है, सो I शुड बी अ 3। वैसे भी 3 ही बच गया था बिकॉज 9 वॉज टेकन बाई H, राइट। सो I 3 होना चाहिए था। सो 8 इंटू 4, 32 माइनस 3 इज 29, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है एक्सप्रेशन, इज़न्ट इट? मतलब ये वैल्यूज़ यूनिक वैल्यूज़ हैं ऑफ A to I। सारे लेटर्स जो A से आए हैं उन वो एक ही वैल्यू ले पा रहे हैं, राइट। और वो कौन से वैल्यूज ले पा रहे हैं? 5, 6, 8, 2, 1, 4, 7, 9, 3 इन द सेम ऑर्डर। इज इट ओके? क्लियर है ये पॉइंट, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं सॉल्व करो, आप सिर्फ नंबर्स आइडेंटिफाई करो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नंबर्स आइडेंटिफाई करके हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, कोई आपको समझाएगा, टाइम लगेगा, बट अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हो इट विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम। ठीक है, इट विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, कैसे इनको अप्रोच करना चाहिए, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट्स इज़ द वैल्यू ऑफ c इंटू सी प्लस आई इंटू आई डिवाइडेड बाई सी इंटू सी माइनस आई इंटू आई क्या है, वॉट इज़ दिस वैल्यू इक्वल टू, राइट। सो वन आइडिया अगर हम इसको देखें, इस हम इसको कह रहे हैं सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ एग्जैक्टली जो हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। तो ये जो सी स्क्वायर का वैल्यू है, हमें पता है सी का वैल्यू कितना है 8, राइट। तो हम वैल्यूज़ लिख करके तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इज़न्ट इट, वी कैन ऑलवेज टेक वैल्यूज़। So it is a 8 square plus a 3 square plus 8 square minus 3 square, right? अब अगर आप इन नंबर्स को ही देख लो, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा 64 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 9 वो वैल्यू कितना आएगा, 1 से ज़्यादा 1 से। अब नॉर्मली कॉमन सेंस यूज़ करो, ये जो न्यूमरेटर है ये ज़्यादा है कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, राइट, क्योंकि c का वैल्यू i से ज़्यादा है, राइट। अगर c का वैल्यू i से कम होता तब प्रॉब्लम हो सकता था, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाता, बट क्योंकि c का वैल्यू i से ज़्यादा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर ज़्यादा है, सो वैल्यू हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। सो द आंसर जो पहला क्वेश्चन का होगा दैट विल बी a ग्रेटर देन 1। आई होप दैट इज़ अ क्लैरिटी टू एवरी वन गाइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जनरली आप इस तरह से देख सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, एंड ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सा सवाल है, इट्स अ इजी वन प्रोवाइडेड यू हैव दी अ लिटिल सेंस ऑफ नंबर्स, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, बहुत यू नो ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिशियन होना है कहीं पर, थोड़ा नंबर को आइडेंटिफाई करने की बात होनी चाहिए बस, दैट्स इट। बेसिक एप्टीट्यूड सेंस रहना है बस, इतना ही हमें करना और कुछ नहीं। इज इट ओके? चलो सो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, इसमें ही देखते हैं। सो आपको वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है, विल चेक आउट दी वैल्यूज़ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ h गाइज? अगर ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। तो वैल्यू ऑफ h वी नो इट इज़ 9, है ना, वी नो द वैल्यू ऑफ h इज़ 9। राइट, सो h का वैल्यू पता चल गया हमें, समझ में आ गया सबको, राइट। चलो थर्ड वाले पे आ रहे हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन हैज समथिंग एल्स, थोड़ा कैलकुलेशन है, या आप चाहो तो कैलकुलेशन अवॉइड भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पे ध्यान से, तो क्या बोला था, वैल्यू ऑफ d इंटू डी इंटू डी, सो इट इज़ एक्चुअली डी क्यूब माइनस ई क्यूब डिवाइडेड बाई, ये जो पोर्शन है ये क्या है, इट इज़ अ डी स्क्वायर प्लस डी ई प्लस ई स्क्वायर, राइट। अब इसको दो तरीके से आप देख सकते हो, एक जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, आप एग्जैक्टली उस तरह से देख सकते थे, d का वैल्यू कितना था 2, है ना, d का वैल्यू वॉज 2 इज़न्ट इट, एंड e का वैल्यू कितना था 1, सो वी कैन गो बैक टू द स्लाइड एंड चेक, d वॉज 2, e वॉज 1 इज़न्ट इट। सो d का वैल्यू 2 था, e का वैल्यू 1 था, राइट। सो एक आइडिया क्या था कि हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि छोटे वैल्यूज आप ऐसे 2³ माइनस 1³ कितना आ जाएगा 7, एंड 2² प्लस 1² प्लस 2, ये 2 है, बिकॉज d इंटू ये 2 इंटू वन, सो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 बाई 7 कितना आ जाएगा 1 राइट। अगर नंबर्स थोड़े से बड़े होते तो थोड़ा कैलकुलेशन कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम वहाँ पे, इजंट इट, हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकता था। मतलब मान लो 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब होता है इस तरह, या 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, थोड़ा कैलकुलेशन में आप चले जाते, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते, ये आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं राइट। सो आइडेंटिटी क्या है हमें पता ही है, a³ - b³। व्हाट इज a³ - b³? दिस a - b, a² + ab + b², ये एक आइडेंटिटी होती है राइट। सो अगर हम ये जो न्यूमरेटर है इसको हम ब्रेक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम d - c × d² + de + e², एंड जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या होगा, d² + de + e²। सो ये जो दोनों टर्म्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा इज ओनली d - e। और d - e है क्या, व्हाट इज d? 2, e कितना है 1, सो इट इज 2 - 1 विच इज 1। सो द आंसर इज, द वैल्यू इज इक्वल टू 1। आई होप ये बात सबको समझ में आ गया राइट। सो ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल था, आपको अगर ये आइडेंटिटी नहीं भी आता इट इज स्टिल सॉल्वेबल, क्योंकि वैसे भी वैल्यूज छोटे थे, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग वैल्यू ऐसा कि आप उसको डील नहीं कर सकते थे, सॉल्व नहीं कर सकते थे, बिल्कुल सॉल्वेबल था वो उस मोमेंट में भी राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग दैट गाइस, फाइन। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे जो इसका 4th क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे यू नो वैल्यूज़ या आपके कैलकुलेशंस विल मैटर। चाहे तो हम इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते थे, बट आई थिंक दैट कैन कॉम्प्लिकेट अ लिटिल मोर। तो अच्छा है कि आप वैल्यूज़ ही यूज़ कर लो ज़्यादा, ठीक है राइट। सो b का गाइज वैल्यू ऑफ b वाज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b का वैल्यू वाज 6 इजंट इट। g का वैल्यू कितना था, 7 राइट। सो b का वैल्यू 6 था, g का वैल्यू 7 था। c का वैल्यू क्या था गाइज, 8, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। a का वैल्यू वाज 5 एंड e का जो वैल्यू था दैट वाज 1 राइट। सो अगर हम देखें b प्लस g कितना हो जाएगा, 13। b प्लस जी ये जो पोर्शन है 13 इनटू, सो देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन, और ये बीच के जो टर्म्स है ये हमें फिगर आउट करना है। व्हाट इज अ b² 36 एंड b इंटू जी जो है वो 42, g² is a 49 and plus we have a c into a, so c into a 40 + 1 41 right, plus sorry plus नहीं है ये, so we have a subtraction out here minus, it is what c into 3a square है। अब ये 3a into a तो 3a square बोल सकते हो। so what is the value of c? 8। अब a square का मतलब 25 हो गया, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 200 है ना, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 को मैं 8 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए वैसे, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई 200 × 3 करेंगे, ठीक है। ये 25 और ये 3 है। अब ऐसा देख लो, चलो पहले ये 8 है, c का वैल्यू 8 है, 3 रिमेन्स एज अ 3 एंड a² इज अ 25 राइट। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 200, ठीक है, और इनटू 3 600, सो ये वैल्यू 600 हो गया। दिस इज़ अ 41। अब ये वैल्यू देख लेते कितना आ रहा है। सो दिस इज़ इक्वल टू माई 49 में से 42 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 7 आ जाएगा एंड 36 + 7 43 इंटू 13 559 आएगा राइट। तो 559 + 41 गाइस ये 600 है, उसमें भी 600 माइनस कर देना है तो आंसर कितना आ जाएगा 0। सो द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस यहाँ पे, कि हल्का फुल्का आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे आइडेंटिटी ऐसा कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है आइडेंटिफाई करने का। सो वो एक चीज़ है, ये आपको यहाँ पे ये बात समझ रहा है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, राइट। अदरवाइज पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटी था, तो वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता है, राइट। एंड कुछ लोग ब्लाइंडली आंसर मार्क कर देते हैं, तो प्लीज़ ब्लाइंडली आंसर मत मार्क करा करो कि अच्छा नहीं इसका तो आंसर मुझे लग रहा है कि 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करो। बिकॉज थिंग्स कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट, क्वेश्चंस एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है अलग हो सकता है। सो बिल्कुल ऐसा रिस्क मत लो तुक्का लगाने वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस का आखिरी क्वेश्चन भी है, राइट। इट इज फाइंड एच इंटू एच, ए इंटू ए, सी इंटू सी। सो वन आइडिया गाइस, एच इंटू एच, ए इंटू ए, सी इंटू सी, 2 टाइम्स ऑफ दिस। अगर आपने एक आइडेंटिटी देखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, बी सी, सी ए। देखो ये एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी को रिप्लिकेट कर रहा है, जैसे एच स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या हो रहा है एच ए, है ना, ए सी, सी एच, दैट इज इट। सो पॉइंट यहाँ पे अगर हमने आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे तब तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, नहीं किया तो भी हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं, इज़न्ट इट। एच का वैल्यू पता ही है, ए का वैल्यू पता ही है, सी का वैल्यू पता ही है, सो हम आंसर तो कर ही सकते हैं, राइट। सो एच का वैल्यू क्या था गाइस, एच का वैल्यू वॉज अ 9, इज़न्ट इट। ए का वैल्यू वॉज अ 5, सी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8, राइट। सो अगर आप इसको एज एन आइडेंटिटी देखो ये क्या होगा, h प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। सो इट इज 9 प्लस 5 14 प्लस 8 22, 22 स्क्वायर इज अ 484, सो द आंसर इज ए। अगर नहीं भी आपको आइडेंटिटी पता था फिर भी आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे, इज़न्ट इट। यू कुड हैव सेट 81 25 64 प्लस ये सारे एडिशन ट्वाइस ऑफ एच ए, दैट इज़ अ 45, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता थोड़ा सा, है ना। ए सी 40, सी एच 72, ऐड किया इनको, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, आंसर सेम आ जाएगा 22 का स्क्वायर विच इज़ अ 484। आंसर ईदर वे सेम आना है, बट येस आइडेंटिटी अगर पता है या आइडेंटिफाई कर लिए उस समय, राइट, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते, इसलिए मैंने आपको ये बोला भी है कि बहुत ज़्यादा डिटेल एल्जेब्रा में नहीं जाना, लेकिन बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। नंबर सेंस रहना चाहिए एंड बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा पता होना चाहिए, यू नेवर नो कब उसकी यूटिलिटी हो जाए, राइट। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए, एवरीवन रखना ज़रूरी है एंड फोकस रहिए, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलो, सी ऑल, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।